रोडवेज की बसें भी अब पुलिस सुरक्षा के घेरा में होगी। यात्रियों में खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए परिवहन निगम ने इलेक्ट्रिक के बाद रोडवेज बसों में पैनिक बटन लगाना शुरू कर दिया है। ये पैनिक बटन हेल्पलाइन नंबर 112 से जुड़ी रहेगी। यात्री इमरजेंसी में बटन दबा सकते हैं। बटन दबते ही कंट्रोल रूम होते हुए सीधे पुलिस तक सूचना पहुंच जाएगी। आने वाले दिनों में गोरखपुर परिक्षेत्र में करीब 803 बसों में ये सुविधा दी जाएगी। इस तरह इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं गोरखपुर के आरएम लव कुमार सिंह, आइए आपको सुनाते हैं। हमारी जितनी बसेज हैं वो सभी यात्रियों के लिए सुरक्षित रहें और यात्री सुरक्षित महसूस कर सकें, इसके लिए हम लोगों का प्रयास है। गवर्नमेंट की तरफ से ये निश्चित किया गया है कि सभी बसेज में पैनिक बटन लगेंगे। तो प्रथम जो चरण है उसमें प्रदेश भर के 5000 बसेज में लग रहे हैं, जिसमें गोरखपुर परिक्षेत्र के 330 बसों को चिन्हित किया गया है, जिसमें ये पैनिक बटन और VTS स्थापित हो गए हैं। विशेषकर ये जो है महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड है और निर्भया कांड के बाद सभी गवर्नमेंट्स में एक्टिव हुई हैं, तो उसी के तहत ये परिवहन निगम में भी प्रयास ये इसमें किया गया और ये स्थापित हो रहे हैं। इसमें मुख्यतः जो यात्री जिस हमारी बसेज में चढ़ते हैं, हमारी बसेज में हर रोज़ में 10 रोज़ होते हैं, हर रोज़ में एक पैनिक बटन रहेगा। किसी को भी किसी प्रकार की अगर समस्या होती है वो पैनिक बटन प्रेस कर सकता है। अभी इसमें हमें हमारे मुख्यालय स्तर पे और रीजनल लेवल पे दो कंट्रोल रूम स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी ARMs हैं और जो अन्य अधिकारी हैं सबके मोबाइल ऐप्स को दिया जाएगा, जिसमें भी वो ट्रेस कर सकते हैं। जैसे भी किसी को समस्या होगी, कोई अलर्ट वो प्रेस कर सकता है पैनिक बटन के थ्रू, और ये हमारे कंट्रोल रूम में जनरेट होगा। उसके बाद वो बस ट्रेस हो जाएगी VTS के माध्यम से, ये ट्रेस हो जाएगी बस कहाँ पे है, कहाँ जा रही है, ताकि उसको हम जो है स्थानीय थाने को या हमारा जो इंटरसेप्टर टीम होती है उसको हम सूचित कर सकें। फ्यूचर में इसको 112 से भी लिंक करने की योजना है, तो जैसे ही कोई अलर्ट जनरेट होगा 112 से लिंक हो जाएगा, 112 उसको ट्रेस कर सकती है और उसको इंटरसेप्ट कर लेगी। इसके अलावा जो हमारा VTS डिवाइस है, VTS डिवाइस के माध्यम से अभी यात्रियों के लिए भी एक ऐप देने की योजना है, जिसमें अगर कोई अपने परिजनों को बस स्टेशन तक छोड़ रहे हैं उसके बाद उस बस को आप ट्रैक कर सकते हैं कि बस कहां तक पहुंची है, और अगर कोई बस का इंतज़ार कर रहे हैं तो उस बस को भी आप ट्रेस कर सकते हैं कि गोरखपुर आने वाली बस कहां तक आई है और कब गोरखपुर पहुंचेगी। तो यात्रा के दौरान एक यात्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बटन के रूप में जो पैनिक बटन इस्तेमाल किया गया है, ये काफी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेगी। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे यात्री, आइए आपको सुनाते हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, गवर्नमेंट द्वारा जो भी किया जा रहा है ये स्पेशली फीमेल्स के लिए ये बहुत ही अच्छी एक पहल है। अगर यहाँ से एक तो लंबी डिस्टेंस के लिए कोई भी बस जा रही है तो उसमें अगर बीच में कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है तो फीमेल्स के पास चाहे कोई भी हो उसके पास एक ऑप्शन है अपनी सेफ्टी के लिए। तो गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी पहल है और मेरे अकॉर्डिंग ये हर बस में होनी चाहिए। सरकार ने सभी बसों में लगाने के लिए आदेश दिया है, कुछ बसों में लगाया जा चुका है, तो क्या कहेंगे? तो गवर्नमेंट को बस ये चाहिए कि अब इसको धीरे धीरे स्लोली इसको हर बस के लिए अप्लाई करें। सुरक्षित सफल कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। धीरे धीरे और इसकी पहल बढ़ेगी तो ये और अच्छी चीज़ होगी, बिल्कुल इसको इसका फायदा होगा, सबको होगा, फीमेल्स को तो इसका स्पेशली बहुत ज्यादा फायदा होगा। महिला सुरक्षा की बात हो और महिला से बात ना की जाए ऐसा हो नहीं सकता, तो महिला के बयान भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि महिला की सुरक्षा के लिए ये एक बेहतरीन कदम उठाए हैं सरकार ने। अब इस तरह के कदम उठाने के बाद महिला पूरी तरह से सुरक्षित है, जो पहले घर से बाहर निकलने से डरा करती थी, कहीं ना कहीं परिजन भी डरते थे, तो अब इससे हम दूर हो जाएंगे, यानी डर हमारे अंदर से दूर हो जाएगा। और क्या कुछ कह रही है महिला, आइए सुनते हैं। ये बहुत अच्छी पहल है सरकार द्वारा, क्योंकि आजकल के जो टाइम है उसमें महिलाओं को हर कदम पे मतलब एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनके परिवार वालों को भी एक समस्या रहती है कि लड़की कहीं अकेले जा रही है, कोई दिक्कत ना हो, लेकिन ये जो सरकार के द्वारा ये पहल उठाई गई है बहुत अच्छी है, क्योंकि वो एक उनको एक आश्वासन मिल रहा है कि जो भी महिलाएं जा रही है अगर उनको कोई दिक्कत हो रहा है, कोई भी परेशानी हो रहा है, तो सरकार भी उनका साथ दे रही है। तो हमारे हिसाब से ये बहुत अच्छी पहल है और सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द सारी बसों में इसका वो दिया जाए। पैनिक बटन लगाने से छात्राएं या महिलाएं
बसों में अकेले लंबी यात्रा की दूरी सफर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्हें कोई भी दिक्कत होगा तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, कोई भी उनको परेशान करेगा तुरंत वो पैनिक बटन दबाएंगे, जिससे 112 नंबर जो पुलिस का है उसको भी गाइडलाइन मिल जाएगा और तुरंत उनको सेवा प्रदान किया जाएगा। इस तरह की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए पंजाब केसरी.com को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।